पुलिस लाइन में सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। आपको बता दें, पुलिस लाइन में एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सिपाही का शव पुलिस लाइन स्थित मैस की छत पर पड़ा मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही का शव मिलने की सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण पुलिस लाइन पहुंचे। सिपाही की मौत के बाद पुलिस लाइन में सनसनी फैल गई। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी दी है। जी हाँ, एक सिपाही है, इनका नाम सनी है और ये किस बैच के सिपाही हैं और ये बड़गांव थाने में अभी इस टाइम पे ड्यूटीरत हैं और सीआर काटने के लिए पुलिस लाइन आए थे। कल ड्यूटी करके वापस करीब शाम को 8-8:30 बजे वापस पुलिस लाइन आते हैं और सुबह ज्ञात होता है कि जो हमारा बैरक है उसमें जो फर्स्ट फ्लोर पे बाहर बालकनी बनी हुई है वहां पे उनकी डेड बॉडी मिलती है। मुंह के बल वो गिरे होते हैं और जब फॉरेंसिक यूनिट वहां पे आती है, उच्च अधिकारी द्वारा भी वहां पर घटना सबमिशन किया था, तो पता चलता है रात को ये 11 बजे अपनी छत पर, जो बैरक की छत है वहां पे सोने गए थे। और जो आसपास के एविडेंसेस मिले हैं, जो आसपास के उनकी जो स्लिपर्स या चप्पलें मिली हैं और उनका बेड मिला है, बाकी सामान जिस हालत में मिला हुआ है, इस तरह प्रतीत हो रहा है कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ये या तो जो बैरक की छत है उसके साइड में रेलिंग जो है उस पर बैठकर या तो ये बात कर रहे थे फोन पे या फिर कुछ बैठे हुए थे और उसी दौरान ये घटना हुई है और ये गिर गए हैं। मोबाइल इनके बैग में भी था और मोबाइल मिल गया। चोट कहाँ हुई? चोट मेनली इनके मुंह पर है और एक सर पर है। नवादा रोड स्थित कान्हा उपन गौशाला में जन्माष्टमी पर की शहर की सुख शांति एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार एवं नगर विधायक राजीव गुम्बर ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के उपलक्ष में कान्हा उपन गौशाला में हवन पूजन कर शहर और समाज में शांति, समृद्धि, खुशहाली व विकास की कामना की। इस दौरान अनेक पार्षद एवं नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगर विधायक राजीव गुम्बर अनेक पार्षदों के साथ नगर निगम द्वारा संचालित कान्हा उपन गौशाला पहुंचे। वेद मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन कर शहर और समाज में शांति, समृद्धि व खुशहाली की कामना की। महापौर व नगर विधायक ने गौवंश की भी पूजा की और गुड़ आदि खिलाकर सेवा करते हुए गौमाता का आशीर्वाद लिया तथा महानगरवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। इससे पूर्व नगर निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा व क्षेत्रीय पार्षद मोहर सिंह ने पटका पहनाकर महापौर, नगर विधायक व पार्षदों का स्वागत किया। थाना जनकपुरी पुलिस ने शांति भंग मामले में 3 शातिर अभियुक्तों को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तगण सूर्यकांत, बिलाल एवं मोनू को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तगणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विवेक एवं शैलेंद्र सिरोही मौजूद रहे। गंगोह रोड स्थित ग्राम उनाली में वरिष्ठ भाजपा नेता ने उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री विनय रोहेला का किया स्वागत। आपको बता दें, गंगोह रोड स्थित ग्राम उनाली में वरिष्ठ भाजपा नेता भानु चौधरी के आवास पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री विनय रोहेला का फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत हुआ। कैबिनेट मंत्री विनय रोहेला ने बताया कि भानु चौधरी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य में हिस्सा लिया। भानु चौधरी, कौन आए थे और क्या कार्यक्रम था? आज सहारनपुर आगमन पर, प्रथम आगमन पर इनका विनय रोहिला जी का स्वागत कार्यक्रम था निवास पे। और रोहिला जी जो है बहुत ही कुशल व्यवहार के व्यक्ति हैं और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री हैं और इनका प्रथम सहारनपुर आगमन पर मैंने स्वागत किया और कार्यकर्ताओं से इन्होंने भेंट की। तो कैसा लगा जी, जैसे आप मंत्री जी आपके घर आए? बहुत कुशल, अच्छा लगा। आपने देखा, सैकड़ों कार्यकर्ताओं से जो है रूबरू हो गए, सबकी समस्या को समाधान किया मंत्री जी ने, तो कुल मिला के अच्छा रहा कार्यक्रम, बहुत सुंदर। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को गुलदस्ता कॉलोनी से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर इरफान को गुलदस्ता कॉलोनी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध 1200 नशीली गोलियां बरामद की हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक अजय पाल सिंह मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने स्कूटी चोरी करने वाले अभियुक्त को मिशन कंपाउंड से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने स्कूटी चोरी करने वाले अभियुक्त अमित को मिशन कंपाउंड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की एक स्कूटी बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार, मुकेश कुमार मौजूद रहे। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अभियुक्त को टपरी अड्डे के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त शेखर उर्फ बॉबी को टपरी अड्डे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक गुलाब तिवारी मौजूद रहे। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को ग्राम मड से पहले ढमोला नदी के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने दो शातिर वाहन चोर आर्यन एवं निशांत को ग्राम मड से पहले ढमोला नदी के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद की हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक संजय कुमार शर्मा मौजूद रहे। हकीकत नगर IMA भवन के सामने दो बाइकों की हुई आमने सामने की भिड़ंत, एक बाइक चालक की इलाज के दौरान हुई मौत। आपको बता दें, हकीकत नगर IMA भवन के सामने दो बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक चालकों को गंभीर चोटें आई, जिनको स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एक बाइक चालक का नाम शुभम तथा दूसरे बाइक चालक का नाम मुकुल है। मुकुल की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दर्दनाक मौत हो गई। शुभम का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मुकुल भाजपा युवा मोर्चा का सक्रिय कार्यकर्ता था। थाना कुतुबशेर पुलिस ने दो शातिर चोरों को नदीम कॉलोनी रजवाहे के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने दो शातिर चोर अजय सिंह उर्फ अज्जू, गौरव उर्फ काका को नदीम कॉलोनी रजवाहे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी किए गए 1400 रुपये बरामद किए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक राजीव कुमार मौजूद रहे। जनपद में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को गया सजाया, जगह जगह लगाई गई सुंदर सुंदर झांकियां। आपको बता दें, जनपद में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। सभी मंदिरों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना करी। शहर के श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर एवं बागेश्वर महादेव मंदिर में सुंदर सुंदर झांकियां भी लगाई गई। सुरक्षा की दृष्टि से इस दौरान सभी मंदिरों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। श्री बागेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री रघुगोपाल जी का साया साढ़े चौदह स्नान और संपूर्ण भक्तजन भक्तिबद्ध होकर बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण के जो परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं। मंदिर में सुंदर झांकी द्वारा सभी प्रार्थना दर्शन कर रहे हैं और बागेश्वर महादेव मंदिर में बहुत सुंदर तरीके से सजावट लाइट और भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार और अन्य मंदिर बनाकर आनंद ले रहे हैं बड़े धूमधाम से और मंदिर में बहुत सुंदर व्यवस्था जिसके लिए मंत्री के प्रधान का और
महामंत्री राजीव कुमार गोयल जी और के द्वारा सुंदर व्यवस्था की गई है। संपूर्ण भक्तजन लाइनबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं और भारत भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होगा तब भगवान की पूजा पाठ आराधना आदि आदि का सुंदर कार्यक्रम। थाना सदर बाजार पुलिस ने महिलाओं से ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले मुख्य आरोपी दीपक सिंह उर्फ कुमार शानू उर्फ कन्हैया को दिल्ली रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 5,50,000 रुपये बरामद किए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संबंधित जानकारी दी। आपको पता होगा पिछले दिनों ये जो स्कैम निकल के आया था कि एशियन एंटरप्राइज नाम से कंपनी खोली गई थी, जिसमें महिलाओं से करीब 2,000 से 2,500 महिलाओं से पैसे इकट्ठे किए गए थे 2,400 रुपए, और उनको बताया गया था कि उनको कुछ ऊन दी गई थी उनको, और बोला गया था कि ऊन से फूल बना के देना है जिसके बदले में उनको 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसका आज भांडाफोड़ कर दिया गया है। जिसका मेन मास्टरमाइंड है दीपक और कन्हैया, जो रहने वाला खगड़िया जिला बिहार का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब इससे पूछताछ की गई है तो उसने पूरा जो अपना प्लान है वो इस तरह पुलिस को बताया है कि जैसे ही ये आज से 2 से 2.5 महीने पहले ये सहारनपुर आया था, ये इससे पहले भी 420 के केसेस में अलग अलग राज्यों से जेल गया हुआ है। इसके पिताजी बिहार में पोस्टमास्टर डाक विभाग में काम करते थे और वो भी जेल जा चुके हैं। और ये जब सहारनपुर में आज जून के महीने में आया था, जून महीने में आने के बाद सहारनपुर रेलवे स्टेशन से इसने करीब कुछ ऐसे लोगों को पैसे देकर उनसे सिम निकलवाए, 4 से 5 सिम उसने निकलवाए, वही सिम इसने इस्तेमाल किए। उसके बाद ये करीब वहाँ पे कैब ड्राइवर को लेकर टैक्सी लेकर 2 से 3 दिन पूरे सहारनपुर में घूमा है। वहाँ पे इसने अलग अलग जगह स्टडी करी है कौन से ऑफिसेस सूट करेंगे इसको, कहाँ कहाँ ऑफिस बना सकता है। उसके बाद फाइनली इसने एक प्रॉपर्टी रहने के लिए पैरामाउंट में रेंट करी। उसके बाद इसने ये एशियन एंटरप्राइज नाम का जो अपनी कंपनी थी वो खोली, वहाँ के जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनसे उसने रेंट एग्रीमेंट कराया। रेंट एग्रीमेंट जो उसने कराया उसने अपने नाम से नहीं करवाया, वो इसका एक साथी है विनोद जो रहने वाला उड़ीसा का है, उसको इसने बुलाया और उसके ही माध्यम से पूरा रेंट एग्रीमेंट हुआ। बैंक अकाउंट इसको खुलवाना था तो इसने अपना एक फर्जी आधार बनवाया। फर्जी आधार में इसने बताया कि इसके पास एक मोबाइल में एक ऐप है जिससे आधार में आप जो भी डिटेल डालोगे उस नाम से आधार बना के वो दे देगा, और वही आधार इसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस्तेमाल करते हुए अकाउंट बनवाया। तो इस तरह से इसने पूरी तरह से प्लानिंग करी। वहां पर जो एम्प्लॉयज रखे थे 20 से 25 एम्प्लॉयज उसने रखे थे एजेंट के रूप में, वो उसने ओएलएक्स के माध्यम से एडवर्टीजमेंट देके रखे, उनको इंसेंटिव देने का भी इसने प्रलोभन दिया था, और इस तरह से ये अपनी आगे जितनी महिलाओं हैं वो बढ़ा रहा था। ये भी बताने वाली बात होगी, इसने ये बोला था कि जो महिला को लेकर आएगा उसको पर महिला 400 रुपए भी मिला करेंगे एज अ कमीशन, तो वो भी ये बांटता जा रहा था। ये जहां से ऊन की सप्लाई लेता था वो सदर बाजार दिल्ली से लिया करता था, वहां के जो वेंडर्स हैं जो जिससे खरीदता था उनके अकाउंट में भी अपने अकाउंट से पैसा नहीं डालते हुए महिलाओं से ही पेटीएम करवाता था डायरेक्टली, जिससे कहीं भी ये पेपर ट्रेल में ना फंस सके, बैंक का इसका रिकॉर्ड ना आ पाए। तो इस तरह इसने पूरा शातिर गिरोह ने चला के ये करीब यहाँ से 24 से 25 लाख की इसने जो नेट अमाउंट है ये यहाँ से लेकर फरार हो गया था। उसके बाद जब फरार हुआ इसने कुछ दिन अपने बिहार और बंगाल में भी काटे, जिसमें इसने पैसे जो पिछले उसने उधार ले रखे थे साहूकारों से वो उसने उधार चुकाए, और कुछ जगह इसने पैसे अपने सहयोगी को भी दे रखे हैं, जैसे जो मैंने बताया आपको जो विनोद जिसके माध्यम से रेंट एग्रीमेंट कराया था उसको भी कुछ पैसे दे रखे हैं। यहाँ पर भी हमें पता चला है कि कुछ पत्रकार इसके टच में थे जिन्होंने इसको ये प्रॉमिस किया था कि ये तो इसका नाम उजागर नहीं होने देंगे या पुलिस से या बाकी प्रशासन से इसके स्कीम है उसका मैनेजमेंट करवा देंगे, तो उसके भी पैसे इसने कुछ पत्रकारों को यहाँ पे दिए हैं, जिसमें अभी विवेचना प्रचलित है। सर क्या इस नाम के उन पत्रकारों के सामने है जो पत्रकार हैं इसमें? अभी जैसे मैंने आपको बताया विवेचना प्रचलित है, गोपनीयता की वजह से अभी तक नाम डिस्क्लोज नहीं करे जा रहे, लेकिन जैसे ही हमें हार्ड एविडेंसेस मिलेंगे उनके पत्रकारों के विरुद्ध तो हम नाम डिस्क्लोज करेंगे। आज बरामदगी क्या हुई है? जी आज बरामदगी करीब कुछ 5.5-6 लाख रुपए की बरामदगी हुई है इससे, और इससे पहले भी जो इससे पहले अभी गया था इसके सहयोगी उससे भी कुछ बरामदगी हुई थी, और कुछ बैंक में भी हमने पैसा फ्रीज कर रखा है।
टोटल 10 से 11 लाख केस में अभी तक बरामदगी हो चुकी है। पूरे केस में प्रकार से महिलाओं को ट्रेस किया जा रहा है जिनके पैसे जो है रिकवरी की जो वापस की जा सके जी। कुछ जब हमने इनके ऑफिसर्स को सीज किया था तो हमने जब वहां पे देखे थे तो कुछ रिकॉर्ड मिले हैं और जो एम्प्लॉयज इनके यहाँ काम करते थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो एक पूरा डेटा बन रहा है 2 से 2500 जो महिलाएं हैं जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे। कुछ जो बैंक में आए थे वो बैंक अकाउंट के माध्यम से ट्रेस किए जा रहे हैं। तो इसमें कार्रवाई प्रचलित है और जैसे ही विवेचना आगे बढ़ेगी तो हम मानते हैं कि 2 से 2500 जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पैसे दिए थे और इसके अलावा जो महिलाएं आके क्लेम भी कर रही हैं तो उनसे भी हम रसीद देख रहे हैं कि जो रसीद दी गई है वो ठीक दी गई है नहीं दी गई। इस माध्यम से हम पूरा डेटा बनाएंगे और कोर्ट के साथ शेयर करेंगे जिससे ये पैसा जो हमने जब्त किया है वो कोर्ट के माध्यम से इनको रिलीज हो पाए। भाई और पैनोरी का नाम भी इनके सामने आया था, क्या जी? वही मैंने आपको बताया, ये कुछ इनके सहयोगी हैं जिन्होंने चाहे इनको छुपाने में सहज दी है या इनके पैसों को ठिकाने में सहज दी है। तो जैसे जैसे विवेचना चलेगी जिसका रोल सामने आता रहेगा उसपे कार्रवाई होती रहेगी।